अभी कुछ दिनों पहले यार एक मेल पढ़ रहा था तो एक बच्चे के द्वारा बोला गया है, सर जिंदगी में अकेला पड़ गया हूँ, अब समझ में नहीं आ रहा है जिंदगी कहाँ जाएगी, सारे यार दोस्त थे उनकी जॉब लग चुकी है, वो निकल चुके हैं, काफी लंबे समय से अकेला ही रह रहा हूँ, अब तो घुटन सी होने लगी है। अगर ये इस टाइम पर जब आप लोगों को इस तरीके की फीलिंग आने लगेगी, हाँ आप जिंदगी में अकेले रह गए और घुटन होने लगी है, यही वो टाइम है जहां पर आप लोग अपने आप को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर आप लोगों के अंदर जो एनर्जी होती है वो एक ऐसे लेवल पर होती है कि कुछ कर गुजरने वाली बात होती है कि यार नहीं अब नहीं हो पाएगा, बस अब तो कुछ ना कुछ करना है, ये जिंदगी पसंद नहीं आ रही है। तो उस टाइम पर अगर आप लोग अपने आप को थोड़ा सा थाम लेंगे, उस टाइम पर अगर आप लोग अपने आप को थोड़ा सा समझा लेंगे कि हाँ यही टाइम है, और उस टाइम पर अपने आप को एक सही डायरेक्शन में आप लोग लगा लेंगे, तो मैं आप लोगों को लिखकर 110% गारंटी देता हूं कि आप लोग अपने हर एक दोस्त से आगे निकलते हुए आप लोग नजर आएंगे। आज की डेट में अगर जो इंसान जो है, देखिए कई बार क्या सोचता है कि जल्दी से जल्दी जॉब लग जाए और कुछ कमाना स्टार्ट कर दे, कोई गलत बात नहीं है, पर लेकिन आप लोगों को ये देखना है कि पेशेंस भी कोई एक अच्छी चीज होती है। अगर आज की डेट में आप लोगों ने कोई पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, चलो आप लोगों ने कहीं 5-7 हज़ार रुपये कमाना भी स्टार्ट कर दिया और उससे आप लोगों की पढ़ाई पर इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट हो गया, तो जिंदगी में जिस पोजिशन पर आप लोग जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, उस पर आप लोग कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ज्यादा जल्दी मत रखिए कमाने की, हाँ इतना कर सकते हैं, मान लीजिए आप लोगों आज के में पॉकेट खर्च अपना निकालना है तो इतना कर लीजिए कि हाँ ट्यूशन वगैरह पढ़ाने स्टार्ट कर दिए, ताकि जो चीजें आप लोग खुद के लिए तैयार कर रहे हैं वही दूसरों को पढ़ा रहे हैं, तो ये आप लोगों की पढ़ाई में फायदा करेगा। तो कोई भी ऐसा काम कीजिए जो आप लोगों की पढ़ाई में फायदा करे, ना कि वो जो आप लोगों को आपके जो गोल है उससे दूर लेकर जाए। तो बोला यही गया कि अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। तो अगर आप लोग लग रहा है कि आप लोग अकेलेपन से गुजर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि सही डायरेक्शन में आप लोग चल रहे हैं, बस चलते रहिए, थोड़ा सा अपने आप को थाम कर रखिए। बाकी यहाँ पर हमारे कई सारे फैमिली मेंबर डेली मेल कर रहे हैं, देखिए कई बार ऐसा होता है थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है, जैसे इनके द्वारा यहाँ पर मेल किया गया था जो पंकज योगी जी हैं, ये 19 अप्रैल को, तो इसके चलते कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि मैं नहीं देख पाता हूँ। अगर कोई ऐसा मेल होता है कि आप लोगों को लगा कि सर ने रिप्लाई नहीं किया है, तो आप लोग क्या क्या कीजिए, उसको मेल को फिर से रीसेंड कर दिया कीजिए मुझे 1 हफ्ते के बाद में, 1 हफ्ते बाद में या फिर 15 दिन बाद में आप लोग मुझे रीसेंड कर दिया कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए, मतलब कम से कम 1 हफ्ता तो आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन रखना है, ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा रखिए। तो यहां पर इनके द्वारा कई बार मुझे मेल किए गए, तो ये ऑलरेडी सब इंस्पेक्टर हैं सीआईएसएफ में, अभी यहां पर ये सेक्शन ऑफिसर बन गए, कहां पर ये सेंट्रल सेक्रेटरीएट में, और आगे यूपीएससी के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो इसी तरीके से आप लोग देखिए। और यहां पर हमारे कई सारे फैमिली मेंबर आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि अलग अलग, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर कोई ऐसी सर्विस में, जो कि नहीं बता सकते कि उनका सिलेक्शन हुआ है, तो यहां पर भी ऐसे भी कई सारे मेल आते हैं, जैसे कि अभी इनके द्वारा भी लिखा गया कि सर बताना मत, कि नाम इसलिए मैंने छुपा दिया, आप लोगों को कुछ नहीं बताया कि सिलेक्शन हो चुका है इनका, ये 2017 से फॉलो कर रहे हैं, तो आईबीएन के इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इस तरीके के सिलेक्शन पे भी गए हुए हैं, वो लिख देते हैं, मैंने बोला था ना कई सारे तो ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वो लिख देंगे कि हाँ सर इसमें सिलेक्शन हो गया, पर बताना मत, बस आपको इन्फॉर्म किया है, अच्छा लगता है, चलिए कोई नहीं मुझे बताते हैं, कम से कम अच्छा लगता है, दिल को तसल्ली मिलती है कि हाँ एक तरीके से, एक नहीं छोटा सा, वरना देखिए ना तो मुझे कुछ मिलने वाला है आप लोग नहीं बताएंगे, या फिर आप लोग मतलब एक तरीके से ना मुझसे आप लोग कुछ मिलने वाला है कि बता देंगे, बस एक दिल का कनेक्शन ही तो है कि यार पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए घर वालों को आप लोगों ने बताया कि यहाँ सिलेक्शन हो गया, वो जॉब तो आपकी लगी है ना, जिंदगी आप लोगों की सब रही है, घर वालों एक तरीके से खुश हो रहे हैं, कितने वो क्यों रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ हमारी लाइफ का एक पार्ट जो है वो सक्सेस हो गया। तो इसी तरीके से टीचर होता है, उसको ये लगता है कि हाँ यार जिंदगी में किसी का सिलेक्शन हुआ है उस तरीके से। तो एक इंसान में अगर कोई थोड़ी सी भी अगर आप लोगों ने उसमें रोल प्ले किया है, तो आप लोग देखेगा ये चीज आप लोगों को तब फील होगी, अगर आप लोग किसी को गाइड करेंगे और उसका सिलेक्शन हो जाएगा, वो चीज आप लोग तब फील कर पाएंगे, ये अल्टीमेट फीलिंग होती है यार। तो अगर किसी का भी सिलेक्शन होता है तो जरूर मुझे एक मेल आप लोग किया कीजिए। और यह एक छोटी सी बात बोलनी थी, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपानी है, तो अपनी पिक्चर जरूर शेयर किया कीजिए, जिससे कि मैं उसको शेयर कर सकूं। अगर लगता है कि आइडेंटिटी छुपानी है फिर तो कोई बात नहीं है, पर हाँ अपनी पिक्चर आप लोग अगर लगता है शेयर कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये है इसके बारे में छोटी सी बातें, आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने है यहाँ पर एक क्वेश्चन जो कि आप लोग अटेम्प्ट करना है, ये बात की जा रही है यहाँ पर रामायण के बारे में। तो रामायण थीम स्टैम्प जो है वो रिलीज किया गया यहाँ पर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के अंदर, तो कौन सी कंट्री के अंदर यहाँ पर ये रिलीज किया गया था, तो यहाँ पर एक कई सारी आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कल्चर है ऑल ओवर वर्ल्ड में फैली रहती है, तो इस तरीके से कई सारे लोग अलग अलग कंट्री में भी कुछ चीजें फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को बात बतानी है। और इस कंट्री के बारे में तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा बोला गया, रामायण इनकी हिस्ट्री और कल्चर का पार्ट भी है, अगर आप लोगों को पता हो, मैंने कई बार इसके बारे में पहले भी जिक्र किया है। तो कौन सी है ये कंट्री, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार या फिर वियतनाम, तो सही आंसर बताइए, वीडियो के एंड में आप लोगों को सही आंसर मिलेगा, तो पेशेंस रखिएगा वीडियो के एंड तक, तब तक आप लोग इसको ट्राई कीजिए, देखता हूँ कौन कौन सही आंसर देता है।
ये जो खबर है बिल्कुल ऐसे जैसे अभी हम लोगों ने उड़ीसा में देखा था, हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है उसने क्या किया, वैक्सीन लेने से मना कर दिया और पूरा का पूरा गांव साफ हो गया जब वहां पर वैक्सीन लगाने के लिए जो है डॉक्टर वगैरह पहुंचे। तो अभी यहां पर ऐसी ही कंडीशन पाकिस्तान में आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये होता है वैक्सीन से हेजिटेशन। तो अगर वैक्सीन से इस तरीके से हेजिटेशन होने लगा कि हाँ वैक्सीन पता नहीं क्या करेगी, अभी पता नहीं है, लोग मर रहे हैं और भी उससे डर जाए लोग, तो फिर देखिए काफी खतरनाक सिचुएशन होती है। कई सारे जो ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके ऊपर स्टडी की जाती है कि देखिए दो कंडीशन है, एक तो ये कंडीशन है कि एक इंसान मर रहा है और यहां पर दवाई नहीं है यानी कि मेडिसिन नहीं है, तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते अगर उस चीज की दवाई नहीं है। दूसरा ये कि ऑलरेडी एक इंसान मर रहा है और दवाई अवेलेबल है पर लेकिन वो ले नहीं रहा है, तो ये काफी खतरनाक चीज हो जाती है कि रिसोर्सेज होते होते भी इंसान जो है वो उसकी जान चली जा रही है। तो इसको थोड़ा सा समझने वाली बात है कि कैसे अवेयरनेस फैलानी है, क्योंकि वैक्सीन के हेजिटेंसी को लेकर काफी लार्ज स्केल पर ऑल ओवर वर्ल्ड में कई सारी कंट्री में कई सारी कम्युनिटी में इस तरीके हेजिटेंसी देखने को मिल रही है। तो सेम कंडीशन अभी यहां पर अभी पाकिस्तान में देखने को मिली। तो इमरान खान साहब जो है खुद अपने आप वैक्सीन लगवा रहे हैं, जैसे हमारी कंट्री में मोदी साहब जी के द्वारा वैक्सीन लगाई गई थी ताकि जनता को जागरूक किया जा सके। तो ये एक अच्छी मुहिम आप लोग बोल सकते हैं, बाकी हेजिटेंसी नहीं होनी चाहिए चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो। वैक्सीन देखिए लगाने से फायदा ही होने वाला है, क्योंकि अगर वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो नुकसान हो सकता है, पर लेकिन वैक्सीन जो है वो सही डायरेक्शन में लेकर चलेगी। वैक्सीन के बारे में अगर बात की जाए यहां पर, ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में बोला गया कि 1 बिलियन के करीब वैक्सीन जो है ये प्रोवाइड करेंगे। 1 बिलियन के करीब वैक्सीन कौन प्रोवाइड करेगा, तो ये टारगेट है G7 कंट्रीज का। तो देखिए आज के डेट में क्या चल रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो अमीर कंट्री है उनके द्वारा अच्छे लेवल पर अपना काम किया गया, अपनी कंट्री को अच्छे से वैक्सीनेट कर दिया। तो अब ये सोच रहे हैं कि यहां पर कि कुछ हेल्प की जाए दूसरी कंट्री की, खासकर जो अफ्रीकन कंट्री है उसमें काफी लार्ज स्केल पर सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा रही है। तो 1 बिलियन वैक्सीन की बात की जा रही है, जिसमें से 500 मिलियन जो है वो तो अकेले यूएसए से निकल कर आ रहे हैं, बाकी का कोई 100 मिलियन दे रहा है और कुछ अपना अलग अलग सपोर्ट प्रोवाइड करा दिए। तो G7 कंट्री के द्वारा ये बात कहां पर बोलेगी, तो पहली बार COVID-19 के बाद में अब यहां पर G7 कंट्री मिले। G7 कंट्री में कौन कौन है याद रखेगा, इसमें है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। तो जापान अकेली एक लौती ऐसी कंट्री है जो कि एशियन कंट्री है जो कि इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर अभी ये जो है जो ग्रुप फॉर्म किया गया था ये 1975 में फॉर्म किया गया था जब उस टाइम पर हमारी कंट्री में इमरजेंसी थी, तो इस तरीके से याद रखते हैं इसके साथ में आप लोग कंपेयर करके। अभी फिलहाल जो ये होस्ट किया जा रहा है यहां पर 2021 की जो भी मीटिंग इसकी होस्ट की जा रही है, तो इसकी जो चेयरमैनशिप है वो है यूके के पास में, ठीक है, यूके के पास में याद रखना है यहां पर। तो यहां पर ये कहां पर मिल रहे हैं, यहां पर तो कॉर्नवॉल जो इंग्लैंड के अंदर जो होटल है वहां पर ये बेसिकली अभी फिलहाल यहां पर ये मिल रहे हैं। तो इनके द्वारा कई सारे मुद्दों पर बात की गई, तो कई सारे मुद्दों में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोग याद रखिएगा। एक तो यही है कि COVID-19 की जो दवाई है वो लोगों को प्रोवाइड करानी है, और इसके ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, उसमें मैं आप लोगों से बातें करूंगा इसके बारे में। अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में यहां पर बात की जा रही है ग्लोबल मिनिमम टैक्स के बारे में। ग्लोबल मिनिमम टैक्स किसके बारे में बात की जा रही है, ये कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बात की जा रही है कि अगर कोई कंपनी अपना बेस चेंज करकर एक एरिया से दूसरे एरिया में चली जाती है, मान लीजिए हमारी कंट्री में कॉर्पोरेट टैक्स है 25% और उस कंट्री को कॉर्पोरेट टैक्स अगर बचाना है अपना, हमारी कंट्री कोई कंपनी चली गई सिंगापुर में और सिंगापुर में कॉर्पोरेट टैक्स है 15%, तो जो भी उसका प्रॉफिट होगा उस पर 10% का इसको मुनाफा बच जाएगा। तो इसलिए मैक्सिमम कंट्री क्या करती है, वो अपना बेस वहां पर जाकर बना लेती है जहां पर टैक्स कम पे करना पड़ जाए। इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो एक वैलिड तरीका है टैक्स चोरी करने का ये, ठीक है, जिसको कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। तो अब की बार यहां पर इसको टैकल करने के लिए यहां पर जो यूएसए है वो सामने आया और उसने बोला पहले G20 कंट्री के लिए कि आप लोग ग्लोबल मिनिमम टैक्स लेकर आइए कॉर्पोरेट के फील्ड में, पर लेकिन अभी उसमें ज्यादा बातें होनी नहीं है, तो इन्होंने सोचा कि पहले छोटे लेवल पर इंप्लीमेंट करते हैं G7 कंट्री में। तो G7 कंट्री में इनके द्वारा ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है ताकि जो टैक्स हेवन कंट्री है जहां पर टैक्स बचाया जा सकता है वहां पर भी वो चीजें पॉसिबल ना हो पाए, और ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर कहीं भी जाना है तो कम से कम 15% टैक्स आप लोगों को देना ही देना पड़ेगा। तो ये यहां पर अभी एक मुद्दा निकल कर आया। बाकी यहां पर अभी फर्स्ट टाइम देखिए जो जॉनसन साहब है, बोरिस जॉनसन जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कोई ऐसी मीटिंग होस्ट कर रहे हैं आफ्टर ब्रेक्जिट के बाद में। ब्रेक्जिट यानी कि ब्रिटेन का एग्जिट हो गया यूरोपियन यूनियन से, तो यूरोपियन यूनियन में 28 मेंबर हुआ करते थे, आज के में यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर रह गए। तो पहली बार एक इंडिपेंडेंट ब्रिटेन काम कर रहा है जो कि ग्लोबल ब्रिटेन यहां पर हो रहा है। अभी ये ग्लोबल में ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने रिलेशन अच्छे करने की कोशिश कर रहा है यूएसए के साथ में, यूके के साथ में, और इनके द्वारा क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर भी बात की गई। आप लोगों को पता है अभी यहां पर नेक्स्ट जो कोप जो यहां पर कॉन्फ्रेंस और पार्टी 26 होने वाली है वो कहां पर होने वाली है, कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, बताइए इसके बारे में। तो ये काफी ज्यादा न्यूज में भी है रिसेंटली, अभी ये नवंबर के महीने में होगी, तो नवंबर का करंट अफेयर अभी से ही तैयार हो रहा है, आप लोगों को ये फायदा रहता है रेगुलर लेक्चर सुनने का, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग बताइए, ओके।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, आई होप कि आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर एजुकेशन के बारे में, ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसको प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। अभी हमारी कंट्री में एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है मनीष गर्ग, उनके द्वारा जो एक स्टेप उठाया गया वो ये है कि ब्लॉक के अंदर, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर ब्लॉक देखने को मिलेगा, फिर विलेज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो ब्लॉक लेवल पर जो बातें होती हैं वहां पर बात की जा रही है कि ये चेक किया जा रहा है कि कितने बच्चे जो है वो आउट ऑफ स्कूल हो गए, यानी कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज के में जो नहीं कहते कि एक तरीके से फिर से स्कूल में नहीं जाएंगे, फिर कुछ ऐसे चक्कर पड़ गए कि स्कूल उनके लिए अवेलेबल ही नहीं है। तो इसके चलते ऑनलाइन मॉड्यूल के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ठीक है, ताकि बच्चों की एजुकेशन जो है उसको प्रॉपर वे में कंटिन्यू रखा जा सके और कोई भी ऐसी दिक्कत हो तो उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहां पर अभी चीजें चल रही है। तो आज की डेट में हमारी कंट्री में अगर बात करिए आप लोगों से एजुकेशन के बारे में, तो खासकर मिड डे मील स्कीम के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये वो स्कीम है जिसके चलते बच्चे स्कूल में आते थे, लेकिन अभी ऐसी चीजें नहीं देखने को मिल रही है। कई सारी स्कीम है जैसे कि समग्र शिक्षा अभियान हमारी कंट्री में है जिसके चलते बच्चों को स्कूल में ले जाने की कोशिश की जाती है और उनको कई सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो ये अभी COVID-19 के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ा है, यहाँ पर COVID-19 का इंपैक्ट पड़ा है एजुकेशन के ऊपर, तो ये ऐसी चीजें आप लोगों से एग्जाम में भी पूछ ली जाती है कि COVID-19 के इंपैक्ट लिखिए, तो ये भी एक इंपैक्ट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात जो की जा रही है ये बात की जा रही है अभी रिसेंटली दिल्ली के अंदर। अगर आप लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं फिर कभी आसपास आप लोगों को जाना पड़ता है, जब मैं यहां पर दिल्ली में था उस टाइम पर ये इस चीज का मैं कई बार शिकार हुआ रहता क्या है, देखिए बेसिकली ये इस तरीके से कोशिश करते हैं कि कई बार जैसे कि अलग अलग एरिया है, ठीक है, कहीं पर कोई एलिवेटेड रोड है, कहीं पर कोई एक्सप्रेस वे है या कोई और किसी तरीके से रिंग रोड है या एयरपोर्ट रोड है, तो स्पीड जो रहती है वहां पर वो अलग अलग रहती है, ठीक है। तो यहां पर 70, जैसे अर्लियर 70 थी तो अब 60 कर दी गई है, यहां पर 70 थी तो 60 कर दी गई है, 70 थी तो 60 कर दी गई है, तो यहां 60-60-70 ये कर दी गई है ताकि एक्सीडेंट जो है वो कम हो सके, ठीक है। तो यहां पर अगर आप लोग 60 स्पीड कर रखी और 60 से आके लोगों की एक भी ऊपर पहुंच गई तो तुरंत आप लोगों का चालान यहां पर कट जाएगा, तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। मेरा फर्स्ट टाइम यहां पर चालान कटा, फिर मुझे लगा कि यार ये तो चीजें मुझे पता ही नहीं थी, तो इसके बारे में तब पढ़ा था मैंने, ठीक है। तो जब मैं इसका शिकार हुआ तो नहीं कहते कि एक बार वो सुना होगा आप लोगों ने कि दूध का जला हुआ छाए भी छाछ वो फूक मार मार कर पीता है, तो वही है कि गलतियों से सीखना चाहिए। अगर कोई गलती एक बार हो जाए तो फिर आप लोगों को इन चीजों से बचना चाहिए ताकि कोई ऐसी कंडीशन देखने को न मिले, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। पर हाँ, मुझे ऐसा लगा कई बार ऐसा भी रहता है, पता नहीं क्या गड़बड़ है क्या है, मतलब ये 60 की स्पीड है पर लेकिन अगर 50 पर भी चला रहे हैं तो उस पर भी चलान कटे हैं। एक फ्रेंड बोला था कि ऐसे भी कंडीशन देखने को मिली है, तो ऐसी भी सिचुएशन रहती है। अब वो पता नहीं किस तरीके से चीजें चलती हैं, आप लोग को कभी ऐसी दिक्कत हुई है तो आप लोग बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस आप लोग शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर बातें करें, ये थोड़ी सोचने वाली बात है, मैंने अभी आप लोगों से बात की थी साहेल रीजन जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, वहां पर काफी लार्ज स्केल पर ISI जो है वो अभी उभर कर सामने आ रहा है, पर लेकिन इराक और सीरिया वाले रीजन में अगर बात की जाए तो इसकी कमर तोड़ी जा चुकी है यहां पर कई सारी फोर्सेस के द्वारा। यानी कि अगर मैं आप लोगों को यहां पर मैप में दिखाऊं तो जो साहेल वाला रीजन था यहां पर, ये पर्टिकुलर रीजन यहां पर अभी फिर से ISI उभर कर आ रहा है, पर लेकिन इराक और सीरिया वाले रीजन में यहां पर ISI को ये काफी हद तक सप्रेस किया जा चुका है। तो अभी फिलहाल हमारी कंट्री की बहुत सारी जो महिलाएं थी वो अपने हस्बैंड के सपोर्ट में यहां पर ISI के साथ में जाकर मिल गई थी और फिलहाल उनके हस्बैंड जो है वो अफगानिस्तान में या फिर अलग अलग रीजन में जो अटैक में मारे गए हैं। तो इसके चलते अभी यहां पर जो बात की जा रही है, अफगानिस्तान के अंदर जो ये वुमेन पकड़ी गई हैं, लगभग 1000 के करीब वुमेन पकड़ी गई हैं जिनमें से 4 हमारी कंट्री की बात की जा रही है। तो अभी क्या इन्हें वापस लाना चाहिए, तो सेंटर जो है इनको अलाउ करने के लिए अभी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आगे वाले टाइम में हो सकता है कि जिनकी आइडियोलॉजी ऐसी है तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में मान लीजिए कंट्री के अंदर अलाउ कर दिया, ठीक है, अभी तो चलो ठीक है कंट्री के बारे में, और इनको कल को चलकर इनका फिर से अपनी आइडियोलॉजी को लेकर यहां पर जिनके द्वारा इनको भड़काया गया था फिर उसी मुद्दे पर आकर कंट्री के अंदर बम ब्लास्ट करा दिया तो कैसा रहेगा। आप लोगों ने सीरीज देखी है द फैमिली मैन, उसमें आप लोग कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी, किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ में किसी इंसान को किस हद तक आप लोग जो है एक तरीके से गाइड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप लोग देखते हैं जो कसाब वाला मुद्दा था, अजमल कसाब, कितने सारे निहत्ते लोगों की जान गई, क्या उसमें कोई मुस्लिम नहीं था, कई सारे मुस्लिम भी थे उसमें जिनकी जान गई, तो वहां पर कोई फिर धर्म नहीं देखा जाता है, उनको ये लगता है कि बस इंडिया है, इंडिया को तबाह कर रहे हैं, तो वो वाली कंडीशन देखने को मिलती है। तो हमारी कंट्री में इसके ऊपर पहले भी बात की गई थी, तो जो अहमद जिया जो सिराज है हमारी कंट्री में, जो नेशनल, जो यहां पर बात करें अगर नेशनल डायरेक्टरेट है सिक्योरिटी एजेंसी के, तो उनके द्वारा भी यहां पर बातें की गई कि अभी फिलहाल चीजों को देखना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो पकड़ा गया हमारी
कंट्री की नहीं ओनली, 4 इंडियन है यहां पर, 16 चाइनीज है, 299 पाकिस्तानीज है, 2 बांग्लादेशी है, ठीक है, इसी के साथ में 2 मालदीव के भी देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग कंट्री से आइडियोलॉजी के बेस पर कि रिलीजन खतरे में है और वो सारी चीजों को बोल बोलकर ऐसी एक्टिविटी कराई जाती है और उनको एक तरीके से उनका माइंड वॉश किया जाता है। तो इस तरीके से चल के अभी देखते हैं आगे क्या सिचुएशन चलनी है। अभी यहां पर ये मोटी मोटी बातें, 2017 में भी लगभग 21 के करीब मैन और वुमेन जो थे वो यहां पर इनके द्वारा आगे चलकर ज्वाइन किया गया था। फिर बाद में दिक्कत होती है क्योंकि उस टाइम पर तो लगता है कि हाँ रिलीजन के नाम पर ले गए, पर लेकिन जब जाकर वहां पर रहना स्टार्ट करते हैं और वहां पर जो जिंदगी होती है वो जानवर से भी बदतर होती है, तो तब समझ में आता है कि क्या कंडीशन कर दी, क्या गलती कर दी, ठीक है, तो लगता है कि जिंदगी बर्बाद हो गई। पर लेकिन वही है, फिर गुत्थी वाला गाना याद आता है, जिंदगी बर्बाद हो गया, ठीक है, मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते, सुना ना वो गाना, तो वही वाली बात हो जाती है, फिर अब कर लो क्या करना है। तो इसलिए लाइफ में यार कोई भी स्टेप उठाना है ना, कभी भी गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है, हमेशा शांत स्वभाव में डिसीजन लीजिए, क्योंकि गुस्से में लिया हुआ डिसीजन हमेशा कहीं ना कहीं गलत जगह ले जाकर इंसान को पटकेगा और फिर वो गलती को फिर फील करेगा, फिर वापस आएगा। तो जिंदगी में अगर आप लोग गलती से बच बचकर आगे बढ़ते रहेंगे तो आप लोग ये समझेगा बहुत सारे लोगों से तो आप लोग वैसे ही आगे निकल गए, अगर आप लोग अपना इस तरीके की दिक्कतों से अपने आप को बचा कर रख पाएंगे, ठीक है। बाकी थोड़ी सी पॉलिटिक्स यहां पर बताई जा रही है, आदित्यनाथ जो आदित्य योगी जी यहां पर ये तो अभी फिलहाल जो है प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले योगी आदित्यनाथ, इनका नाम हमेशा मैं उल्टा लेता हूँ मतलब आदित्य योगी बोलता हूँ जबकि योगी आदित्य इनका नाम, मैंने कई बार ये नोटिस किया है, पता नहीं क्यों माइंड में सेट हो रखा है तो यहाँ पर जैसे भी है, तो यहाँ पर अभी ये अभी बेसिकली उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों को बताया इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसकी जो है अभी यहाँ पर एक इक्वेशन चेंज हो रही है, उसी के चलते हो सकता है कैबिनेट में कुछ रिसफल किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिस भी करवट बैठ जाता है समझिए सेंटर की गवर्नमेंट वहीं बनेगी। 80 लोकसभा की सीट है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो अगर उत्तर प्रदेश अगर कोई जीत कर ले गया तो वही वाली बात होगी जैसे कि जो बाइडेन वाली, ठीक है, जो बाइडेन जो है ऐसी जगह जीत कर ले गए जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा नहीं था और अकेला वहां पर निकाल के ले गए सीट, वरना डोनाल्ड ट्रंप जीता हुआ रखा था। तो यही उत्तर प्रदेश का काम है हमारी कंट्री में, ठीक है, तो इसको लेकर काफी ज्यादा गहमागहमी रहती है, तो इसके चलते आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी जो वो नहीं कहते कि भूले भटके फिर से घर वापस आ गए, तो यहाँ पर मुकुल रॉय जो है जो छोड़कर बीजेपी में चले गए थे उस टाइम पर जो ताव ताव में, अब फिर से तृणमूल कांग्रेस इनके द्वारा ज्वाइन कर ली गई है, तो ऐसे कई सारे लीडर थे जो छोड़ छोड़कर जा रहे थे फिर से ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये भी एक काफी बड़ा इशू बना हुआ है खासकर वेस्ट बंगाल के अंदर में, जिसकी वजह से रस्साकसी चल रही है। एक नया शब्द आप लोगों को सुनाता हूं, हालांकि कुछ ने सुन रखा होगा, इसको बोलते हैं सिएस्टा। ये क्या होता है, ये होता है दोपहर की नींद, आप लोगों ने सुना होगा पावर नैप, ठीक है, तो ये पावर नैप जो होता है काफी अच्छा होता है, अगर रात को आप लोग मान लीजिए आप लोग सोए 10 बजे और सुबह 4 बजे उठ गए, या फिर आप लोग सोए 11 बजे सुबह 5 बजे उठ गए, तो एक दिन में पावर नैप ले कीजिए। पावर नैप की जो टाइम होना चाहिए लगभग आप लोग 15 से 20 मिनट का पावर नैप ले सकते हैं, इससे क्या होगा, इससे होगा आप फिर से अपने आपको रिज्यूनेट कर पाएंगे, फिर से अच्छी एनर्जी में आप लोग काम कर पाएंगे, तो अच्छा तरीका होता है ये। अभी तो फिलहाल खैर यहाँ पर तो मजबूरी देखने को मिल रही है, किसान जो है यहाँ पर अभी सो रहे हैं इसके ऊपर, तो ये इनकी मजबूरी है, पर लेकिन आप लोग अगर अपने माइंड को रिफ्रेश करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये काम जरूर कीजिए, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पर, ये अभी आप लोगों को देखने को मिला था मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर एक काफी बड़ा मुद्दा बन गया था कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर महाराष्ट्र के जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा बोला गया कि 1 करोड़ रुपए चाहिए यहाँ पर कम से कम आप लोगों को इकट्ठे कर देने, तो ये बात इनके द्वारा पब्लिक कर दी गई थी कि होटल से निकाल कर लेकर आओ जो भी इस तरीके जो इंडस्ट्री है उनसे पैसे इकट्ठा करना है, तो उसके चलते जो केस था अभी बोला जा रहा है कि इस केस को जो है महाराष्ट्र से बाहर शिफ्ट करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी गई इनकी ये रिक्वेस्ट और बोला गया कि केस यहीं चलेगा, ठीक है, तो ये वाली बात है, तो अभी देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। बाकी यहां पर ये थोड़ी सी एक सोचने वाली बात आप लोग बोल सकते हैं, यहां पर पार्किंग के ऊपर लड़ाई हो जाती है और इंसान की डेथ हो जाती है, तो ये सारा मुद्दा कहां पर बनता है, ये आप लोग देखिए, अगर किसी पर्टिकुलर आप लोगों से केस स्टडी आ गया एथिक्स के पेपर में कि आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है किसी पर्टिकुलर एरिया के, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, और वहां पर जो पार्किंग को लेकर या फिर किसी और चीज को लेकर इस तरीके से जो मुद्दा होता है लड़ाई होती है और कई सारी डेथ हो चुकी है पास्ट में, तो किस तरीके से आप लोग इसको टैकल करेंगे, ठीक है, तो एक तो पार्किंग स्पेस के बारे में कोई ना कोई अरेंजमेंट करनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए, ठीक है, इसी के साथ में यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है सीसीटीवी कैमरा वगैरह यहां पर लगाए जा सकते हैं, इन्फॉर्म किया जा सकता है लोगों को इसके बारे में, ऑनलाइन पार्किंग स्लॉट यहां पर स्टार्ट किए जा सकते हैं, तो कई सारी ऐसी भी चीजें देखने को मिल सकती हैं, तो ये इस तरीके के मुद्दे कई बार देखने को मिलते हैं कि पार्किंग के ऊपर लड़ाई होगी और लोगों की जान चलेगी, तो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर भी आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा जो काफी लंबे समय से यहाँ पर न्यूज में रहता है, ये आप लोगों से पूछा भी जा सकता है डायरेक्ट, ये है ब्रू। ब्रू एक ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है, तो इसको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की जा रही थी त्रिपुरा में, ठीक है, तो अभी यहां पर इसमें दिक्कत आ रही है,
तो जो ब्रू ट्राइबल कम्युनिटी है ये अभी यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर भी इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर था क्या बेसिकली, देखिए ब्रू ट्राइबल कम्युनिटी जो कि काफी लंबे समय बाद जब झड़प हुई थी तो काफी सारी ब्रू ट्राइबल कम्युनिटी थी जो निकल कर आ गई थी यहाँ पर त्रिपुरा से मिजोरम के अंदर में, ठीक है। तो अभी उनको बोला जा रहा था कि त्रिपुरा में ही उनको रिसेटल किया जाएगा, पर लेकिन इतना आसान नहीं होता यार, ये बोलनी आसान होती है चीजें कि यहाँ से पेड़ काटो और कहीं और लगा दो ले जाकर, वो फॉरेस्ट वाला एरिया थोड़ी ना मिलेगा। अब वहां पर कुछ और तरीके का माहौल है, अब यहाँ पर त्रिपुरा में उनको जहां पर सेटल किया जा रहा है अब वहां पर भी लोगों को चिंता होगी कि हाँ यार हमारे एरिया में आकर इनको सेटल किया जा रहा है, जमीन चाहिएगी इनको, जॉब चाहिएगी, खाने के लिए खाना चाहिएगा, और एक दो हो 10-20 हो तो चल जाए, 40,000 के करीब जो लोग हैं उनका क्या करोगे आप लोग। तो इस तरीके से काफी लार्ज स्केल पर ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। 7,000 के करीब तो हालांकि मिजोरम में रिटर्न आ गए थे जब इनके बीच में झड़प हुई थी, पर लेकिन काफी लार्ज स्केल पर आज की डेट में भी ये चीजें देखने को मिलती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा ये एक फंडा स्टार्ट किया गया था कि इनको रीस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाए। तो मिजोरम से जो यहां पर जान बचाकर जब इनमें झड़प हुई त्रिपुरा पहुंचे और बाकी के कुछ रिटर्न आ गए, कुछ यहीं पर ही है, तो अभी यहां पर वो भी मुद्दा है कि वो भी सेटल नहीं हो पा रहा है। तो ये जो चीजें हैं अभी यहां पर देखने को मिल रही है, एनजीटी के पास में चीजें पहुंच रही है जिसको बोलते हैं आप लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो एनजीटी एक ऐसी बॉडी है जो यहाँ पर इन सब मुद्दों के बारे में बात करती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारी कंट्री में एक स्टैचूटरी बॉडी है, स्टैचूटरी मतलब स्टैचूट यानी कि लॉ पास करके पार्लियामेंट में बनाई गई थी। तो यहाँ पर एनजीटी जो है अगर बात करें संविधान के अंदर किस आर्टिकल से अपनी पावर निकाल के लेकर आती है जो बनाएगी, तो राइट टू एनवायरमेंट होना चाहिए इंसान के पास में, राइट टू एक क्लीन एनवायरमेंट। अगर राइट टू लाइफ है, अगर आप लोग जिंदा है तो किस बेस पर है कि एनवायरमेंट अच्छा है, और अगर एनवायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो हवा प्रदूषित होगी तो इसका मतलब इंसान की जान जा सकती है। तो राइट टू लाइफ कनेक्ट कर दिया गया राइट टू एक क्लीन एनवायरमेंट के साथ में, तो आर्टिकल 21 से निकल कर आता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फिर बोलते हैं क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, थोड़ा भी अगर ध्यान रखेंगे तो आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। आप लोगों को ये बताना है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे पहले कौन सी कंट्री है जिसके द्वारा यहां पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसा कोई कोर्ट बनाया गया। ट्रिब्यूनल का मतलब कोई कोर्ट, और कोर्ट भी कैसा, जो कि एक तरीके से नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। नेचुरल जस्टिस मतलब अगर किसी ने कोई गुनाह किया है, एक तो उसको सुन के सुने बिना आप लोगों को सजा नहीं देनी है, एक अपने ही जो केस में आप लोग खुद जज नहीं बन सकते। तो ये इस तरीके के फंडे फॉलो करने की यहां पर बात की जाती है। तो इसी के चलते यहां पर कई बार ये बातें आप लोगों को देखने को मिलती है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई थी आप लोगों को भी पहले भी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको आप लोग बोलते हैं बेसिकली UNCED, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो UNCED, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, ये 1992 में हुई थी, जिसमें से यहां पर कॉन्सेप्ट निकल के आता किसका, इसको बोला जाता है ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये ट्रिब्यूनल वगैरह जो बनाए गए, ठीक है। हमारी कंट्री में अगर बात करें पुणे में, भोपाल के जो बेसिकली पुणे में आज की डेट में बात करिए, वेस्ट साइड में भोपाल में, सेंट्रल साइड में चेन्नई में, साउथ साइड में कोलकाता में, ईस्ट साइड में, ये इसकी ब्रांच देखने को मिलती है, और प्रिंसिपल ब्रांच है इसकी जो कैपिटल न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये कुछ बातें इसके बारे में जो कि क्वेश्चन आप लोग याद रखते हैं, और पहले सबसे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हेड कौन थे ये भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। आइए अब आगे चलते हैं। हमारी कंट्री में बोला जा रहा है कि 18 से 44 साल के लोगों को दवाई पिलानी है, इसी के साथ में जो उससे ऊपर एज के लोगों को दवाई पिलानी है, पर प्रेग्नेंट वुमेन को लेकर यहां पर काफी अभी संदेह चल रहा है। तो एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो हाई कोर्ट में पहुंच गई यहां पर किसके लिए, कि यहां पर टीका लगना चाहिए उनको भी, ठीक है। तो उसके चलते यहां पर ये बात की जा रही है कि टीका लगना चाहिए, तो यहां पर उसके चलते अभी यहां पर हमारी कंट्री में नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की जब बात की गई थी, तो उसके चलते भी यहां पर ये इशू उठाया गया था कि हां किस तरीके से जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको लेकर चलें, क्योंकि कई सारी कंट्री ऑलरेडी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये चीजें प्रोवाइड करा रही हैं। तो हम लोगों को अपनी कंट्री में कब प्रोवाइड कराना है, तो उसके मुद्दे पर बात की जा रही है, तो इसको भी आगे लेकर आना चाहिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। बाकी नेक्स्ट अगर बात करें तो ये बात की जा रही है किसके बारे में, ये वाटर पोल्यूशन के बारे में। तो वाटर पोल्यूशन खासकर किसके बारे में, यहां पर ये इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल जो है नॉर्मली आप लोगों को राजस्थान में देखने को मिलती है, ये पानी जो इसके लिए निकल कर आता है ये हरी के जो बैराज है पंजाब के अंदर, ठीक है, तो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट से निकल कर आता है। तो अभी फिलहाल यहां पर चीजें कुछ वो चल रही है पोल्यूशन वाली, तो इसलिए कई बार न्यूज में आ जाता है। तो इंदिरा गांधी जी के नाम पर ये कैनाल है, जो कि आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करें पंजाब के अंदर, अगर आप लोग बात करिएगा तो यहां पर फॉरेन कंट्री में बनाए गए जो पिस्टल है वो अभी यहां पर पकड़े गए पंजाब पुलिस के द्वारा। तो ये कंडीशन जो है आज के दिन में हमारी कंट्री में काफी ज्यादा स्केल पर इलीगल जो चीजें देखने को मिलती है, तो ये अगर कंट्रोल ना हो पाए तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। और याद रखिएगा हमारे संविधान में जब 7वें शेड्यूल के अंदर जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने का काम रखा गया है यहां पर 7वें शेड्यूल के अंदर में, जो स्टेट लिस्ट है, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर कहां पर आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, ये याद रखना है आप लोगों को, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये काफी लंबा इशू हमारी कंट्री में चला हुआ रहा है, यहां पर 2012 की लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जो केस है यहां पर,
ये अब भी याद है मुझे, जब जब उस टाइम पर तो लगभग चीजें स्टार्ट ही की थी, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना स्टार्ट ही किया था, तो तब की बात है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर अगर बात की जाए यहाँ पर इसके, हाँ आई थिंक इस टाइम पे, हाँ तो यहाँ पर बात की जाए तो हुआ क्या था, केस हमारी कंट्री में दो मछुआरे मारे गए थे यहाँ पर, जो इटली के जो मैरीन थे इनके द्वारा गोली चलाई गई हमारी कंट्री के मछुआरों के ऊपर, तो उसके चलते हमारी कंट्री में इनके ऊपर केस चला। फिर यहाँ पर काफी लंबे समय तक हमारी कंट्री में जेल में रहे, इसके बाद में फिर यहाँ पर ये अपनी कंट्री वापस गए कुछ त्योहार वगैरह सेलिब्रेट करने के लिए, और फिर वहां से आने से मना कर दिया। तो इनके ऊपर अभी केस को निपटाने की बात की गई तो 10 करोड़ रुपए यहां पर इटली को बोला गया था कि आप लोगों को पे करने हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली यहां पर इनकी गोली के अटैक से मारी गई है, ताकि उनकी फैमिली को कुछ कंपनसेशन प्रोवाइड कराया जा सके। तो 10 करोड़ रुपए यहां पर अभी प्रोवाइड इटली के द्वारा कर दिए गए, सेंटर के द्वारा बताया गया सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। तो अभी जो केस चल रहा है वो फिर यहां पर बंद हो जाएगा आगे चलकर। तो इसकी वजह से इंडिया और इटली के जो रिलेशन है उसमें भी थोड़ी सी तनातनी आ गई थी, तो अभी फिलहाल जो है वो चीजें नॉर्मल देखने को मिल रही है। इटली कहां पर है, जैसे कि अपनी कंट्री यहां पर हो गई, तो इटली आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, यूरोप के अंदर जो कंट्री है, ठीक है। तो ये मुद्दा है, अभी यहां पर ये शांत होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात जो है यहां पर आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, हालांकि मैंने भी आप लोगों को 2-3 बार पहले पढ़ाया, गुपकर डिक्लेरेशन के बारे में। तो अभी सेंटर जो है यहां पर वो कोशिश कर रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी उनको एंगेज किया जाए, क्योंकि अब तक यहां पर कंडीशन जो है वो इलेक्शन नहीं हुए, खासकर अगर यूनियन टेरेटरी बना दिया गया जम्मू एंड कश्मीर को, तो कम से कम इलेक्शन तो कंडक्ट कराया जाए, पर लेकिन अब तक यहां पर इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराए जा रहे, जिसके चलते ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो इनके द्वारा गुपकर अलायंस बना लिया गया था, तो इसी के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूं। आखिर है कि यहां पर तो गुपकर डिक्लेरेशन पहला आया फिर सेकंड आया, तो इसके बारे में याद रखिएगा। पहला गुपकर डिक्लेरेशन आया था यहां पर अगस्त के महीने में, आप लोगों को पता है अगस्त के महीने में यहां पर आर्टिकल 370 के अंदर चेंज किए गए थे, और इसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस छीन लिया गया था। तो जब यहां पर काफी लार्ज स्केल पर यहां पर टूरिस्ट को हटाया गया और सिक्योरिटी फोर्स को डिप्लॉय किया गया, तो एक गुपकर डिक्लेरेशन तब आया यहां पर, ठीक है। फिर अगस्त 22, 2020 के अंदर अगर बात कीजिएगा आप लोग, कई सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके द्वारा गुपकर डिक्लेरेशन सेकंड निकाल कर लाया गया, जिसके चलते उनके द्वारा बात की गई कि आर्टिकल 370 को जो हटाया गया है उसको रिस्टोर करना है, और जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेशन मिलना चाहिए, और जम्मू एंड कश्मीर को फिर से एक राज्य बनाना है आप लोगों को। तो इसके चलते ये इनकी मांगे थी यहां पर, यानी कि रिस्टोर करना है राज्य यूनियन टेरिटरी से, आर्टिकल का जो जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट करना है, और आर्टिकल जो 370 है और 35A है इसको आप लोगों को फिर से प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करना है। तो इसके चलते इनके द्वारा बोला गया था हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, और गांधीयन जो फिलोसफी है उस पर हम लोग एक यहां पर प्रोटेस्ट करेंगे, यानी कि पत्थर से या फिर बुलेट से नहीं, हम लोग नॉर्मल तरीके से अपने प्रोटेस्ट करेंगे, तो उसके बारे में बात की गई थी, ताकि रिस्टोर किया जा सके। तो गुपकर डिक्लेरेशन किसके लिए था, तो ये आप लोगों को याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में अगर क्वेश्चन बने एग्जाम में, तो ठीक है। तो ये छोटी सा पॉइंट है जो आप लोग याद रखिएगा। बाकी यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं, ये आप लोगों से कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा फेसबुक के ऊपर भी, यूएसए के अंदर ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं। होता क्या है, देखिए बेसिकली कंपटीशन को खत्म करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो यहां पर अगर कंपटीशन खत्म हो जाए आप लोगों, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, मान लीजिए कोई एक ग्राउंड है इस तरीके से, ठीक है, ये ग्राउंड है जिसमें रनिंग करनी है, और इस ग्राउंड में अगर रनिंग करने वाली बात की जाए और मैं बोलूं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड रखना है, तो क्या करना होगा। अगर मान लीजिए यहां पर ये एक लाइन खींच दी है, ठीक है, और यहां से सब इस लाइन से दौड़े, ये इस लाइन से दौड़े, 3 पर्सन को दौड़ाना है, तो ये वाला तो जल्दी से चक्कर काट लेगा, तो यहां पर इसको तो फायदा हो गया। पर लेकिन अगर बोला जाए ये यहां से दौड़ेगा और ये वाला यहां से दौड़ेगा और ये वाला जो है वो यहां से दौड़ेगा, तो तब यहां पर लेवल प्लेइंग फील्ड होगा कि इक्वल दौड़ना पड़ेगा। तो इसी तरीके से यहां पर अगर आज के में जैसे जियो है मार्केट में, ठीक है, जियो अकेला मार्केट में अकेला रह जाए, बाकी सारी कंपनी बर्बाद हो जाए, तो कल को चल के जियो अपनी मनमानी कर सकता है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये बेसिकली कोशिश करता है कंपटीशन मार्केट में बना रहना चाहिए। अमेजन पे कुछ चीजें आप लोग खरीद कर लेकर आते हैं, ठीक है, तो पता चला एक ही पर्टिकुलर अपने प्रोडक्ट जो खुद के नहीं की कंपनी के उनको सपोर्ट कर रहे हैं वहां पर, बाकी दूसरे प्रोडक्ट नीचे दिखा रहे हैं अगर सर्च करने में बात आ जाती है। तो ये फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ये ऐसी हरकतें कई बार करते हुए नजर आते हैं। तो कंपटीशन जो कमीशन एक्ट हमारी कंट्री में 2002 का, वो कोशिश करता है कि कंपटीशन जो है वो बना रहना चाहिए। तो इसी के चलते यहां पर अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसी के चलते जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी हमारी कंट्री में इन चीजों को ध्यान में रखने की बात की जा रही है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसका, बेसिकली क्वेश्चन बन जाए तो इसके बारे में याद रखिएगा, स्टैट्यूटरी बॉडी है, इन सब मुद्दों पर ध्यान देती है ताकि कंपटीशन मार्केट में बना रहे, कोई भी मोनोपोली क्रिएट ना करे, जैसे कि इंडिया के अंदर मोनोपोली थी ना जो ब्रिटेन की कंपनी की, वो वाली हरकतें यहां पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
आगे बात करें यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन, देखिए इसको कहते हैं कि वो नहीं कहते हैं कि बदतमीजी की हद पार करना, ये बेल पर बाहर निकला हुआ था इंसान और इसके द्वारा यहाँ पर चेन स्नेच करनी स्टार्ट कर दी नई मुंबई के अंदर। अभी आप लोगों को पता है COVID-19 के चलते बहुत सारे लोगों को बेल पर बाहर निकाल दिया गया, तो जैसे ही बेल पर बाहर निकला तो बाहर आते ही कुत्ते की पूंछ ने फिर वही हरकतें की जिसकी वजह से हरकतें चल रही थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी देखना पड़ता है, अगर इसके बारे में आप लोग बात करिए एथिक्स के अंदर इसकी भी केस स्टडी बन सकती है। मान लीजिए आप लोग किसी पर्टिकुलर इंडिया में एक जो है पुलिस डिपार्टमेंट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और आप लोगों को पता है कि COVID-19 के चलते बहुत सारे ऐसे जो क्रिमिनल हैं जिनको बाहर निकाल दिया गया है उनको बेल पर छोड़ दिया गया है, तो इसको कैसे टैकल करेंगे कि वो आगे चलकर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी न करें, इसको कैसे टैकल किया जाएगा, ठीक है। तो इसके चलते तो हम लोग यहां पर कैसे शांति बनाकर रखनी है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इवन इंटरव्यू भी आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि अगर कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट कंडीशन बनती है तो आप क्या स्टेप इसके ऊपर उठाएंगे, ठीक है। तो ये मुद्दा है यहां पर। देखिए पाकिस्तान के अंदर इससे एक छोटी सी न्यूज यहां पर ये निकल कर आ रही है हमारे देश के लिए जो काफी अच्छी है। पाकिस्तान के अंदर अभी एक बिल पास किया गया जिसमें जाधव जो है हमारी कंट्री के जो नेवल ऑफिसर हैं जो गिरफ्तार है पाकिस्तान के अंदर, तो उनको अभी हमारी कंट्री के साथ में जो जिस तरीके से नहीं मिलने भी नहीं दिया जाता हमारे हाई कमिश्नर को, वो सारी चीज थी तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुद्दा पहुंचा था। तो अभी यहां पर प्रेशर में आगे पाकिस्तान के द्वारा ये स्टेप उठाया जा रहा है ताकि चीजों को अब नॉर्मल किया जा सके। तो यहां पर अभी हमारी कंट्री में इनके साथ में मिला जाएगा, केस चलेगा अपने लॉयर वगैरह लेकर, तो वो चीजें सारी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये इस तरीके की कमेंट्री कई बार चलती रहती है, हल्का सा आइडिया रखना है, ज्यादा तो नहीं कि हाँ अभी चीजें अभी सुधरी नहीं है, हाँ एक कदम आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर बात की जाए यहां पर आदर्श पूनावाला के बारे में जो कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं, बोला गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा अगर उनको लगता है उनकी जान को कोई खतरा है तो हम लोग जेड प्लस सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए तैयार है उनको, तो यहां पर ये सारी चीजें चल रही है। अभी रशिया के द्वारा जो यहां पर सैटेलाइट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है ईरान को ताकि ईरान जो है रशिया के खेमे में रहे, अभी इसके बारे में आर्टिकल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, इसके बारे में एक आर्टिकल है तब आप लोगों से अच्छे से बातें करूंगा, देखेंगे क्या क्या बातें हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात की जाए यहां पर ये है USFDA, इसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट जो बेसिकली फूड एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहां पर यूएसए का, उसके द्वारा अभी यहां पर रिजेक्ट कर दिया गया है यहां पर जो नहीं है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन जो बेसिकली है उसको, ठीक है, तो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए मना कर दिया है। तो हमारी कंट्री में इस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो ये बोला गया कि देखिए हर एक कंट्री के अलग अलग पॉलिसी है तो उनकी पॉलिसी उनके हिसाब से हमारी पॉलिसी हमारे हिसाब से, तो किसी को प्रेशर में तो डाला नहीं जा सकता अगर कोई ऐसा स्टेप उठा रहे हैं, तो अपने आप हम लोग कैसे इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोग को चलना चाहिए, ठीक है। दो डोज जो है कोवैक्सीन के अगर वैक्सीन के बारे में बात की जाए वो 77% रिस्क को कम कर सकते हैं हॉस्पिटलाइजेशन का, यानी कि लोगों को अगर डोज दे जाए तो काफी सही रहेगा दो डोज कम से कम, ठीक है। बीटा वर्जन जो है याद रखिएगा ये है B.1.1.7, डेल्टा है B.1.6.1.7.2, तो ये कई सारे वर्जन है जो रिसेंटली हमारी कंट्री में काफी ज्यादा इंपैक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। चाइना और श्रीलंका जो है एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे से काम कर रहे हैं, अभी यहां पर चाइना श्रीलंका फ्रेंडशिप हॉस्पिटल ये ओपन कर दिया गया है, ठीक है। कहां पर ओपन कर दिया गया, यहां पर ये यहां पर पुलो ये यहां पर पुलोनवाड़ा, ठीक है, तो पर्टिकुलर एक एरिया श्रीलंका के अंदर, तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं जिसमें लगभग 60 मिलियन खर्च किए गए, ठीक है। तो यह पुलोन ये यहां पर पुलोनवाड़ा, ठीक है, युवा, तो इसका हल्का सा मतलब आइडिया रख सकते हैं, ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ जिस तरीके से चाइना के प्रोजेक्ट चलते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं यूएस यहाँ पर इसके अंदर, जो कि फटाफट इंप्लीमेंट कर दिए जाते हैं। आगे बात करें ओलंपियन है जिनका नाम है सूरज सिंह, वो रिसेंटली अभी हमारे बीच में नहीं रहे, हेलसिंक की जो ओलंपिक में इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था, तो 52वें नंबर पर यहाँ पर ही देखने को मिलते हैं जो चलने वाली जो रेस होती है, ठीक है। तो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट यहाँ पर रहे एशिया के अंदर में, ठीक है, जो एशियन गेम हुए थे 1951 में, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है कई बार पर्टिकुलर एथलीट किस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है। बाकी एडिटोरियल देख लेते हैं, और आप लोगों को पता है सैटरडे है तो सैटरडे को एडिटोरियल जो है वो कम आते हैं यहाँ पर, जो ये साइड में ग्राउंड जीरो है यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर आप लोगों को पर्टिकुलर लोकल एरिया के बारे में इन्फॉर्मेशन रहती है। तो यहाँ पर राजस्थान में जो पाकिस्तान से अभी बहुत सारे जो ऐसे लोग आए हुए हैं, ठीक है, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनको जो पाकिस्तानी हिंदू हैं जिनको वहां पर प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, ठीक है, तो यहां पर इग्नोर किया जा रहा है इंडिया के अंदर भी, यहां पर जिनके पास है पाकिस्तान के आप लोग यहां पर पासपोर्ट देखने को मिलेंगे, तो अभी अपनी कंट्री में इनको अलाउ करना चाहिए, हमारी कंट्री में सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट आया गया उसको कैसे लेकर चलना है, तो उन्हीं मुद्दों को यहां पर समझाया गया। ये बेसिकली राजस्थान के अंदर जोधपुर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जान बचाकर वहां से आए, उनको प्रोसिक्यूट किया गया था पाकिस्तान के अंदर में, तो इसके चलते अपने देश में ये रह रहे हैं, तो ये ऐसे मुद्दे कई बार आते हैं यहां पर जिसको यहां पर सोल्व करना चाहिए। तो यही बातें हैं, खासकर पर्टिकुलर लोकल एरिया की इन्फॉर्मेशन रहती है बहुत ज्यादा, पर हाँ फिर भी हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करें तो देख लेते हैं यहां पर ये वाला जो आर्टिकल है और ये वाला आर्टिकल है, दोनों दवाइयों के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से दवाई को लेकर कंपेन करना चाहिए।
तो ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यहां पर एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आप लोगों से पूछा जा सकता है उसके बारे में आप लोग याद रखेगा। आप लोगों से पूछा जा सकता है आज के डे में कोवैक्स के बारे में कई बार बात की जाती है, ये कोवैक्स क्या है? तो यहां पर कोवैक्स को बोलते हैं कोविड 19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस। तो यहां पर एक तरीका जो एक ऑल ओवर वर्ल्ड में कैसे दवाइयां आप लोगों को प्रोवाइड करानी है, तो उसका एक मुद्दा यहां पर देखने को मिलता है। डायरेक्टेड किया जाता है यहां पर गावी जो अलायंस है बेसिकली, जो कि एक तरीके से कोशिश करती है प्रिपेयर करने के लिए यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, ताकि कोई बीमारी आती है तो वहां पर उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। तो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, द वर्ल्ड बैंक, इसी के साथ में डोनर कंट्री की गवर्नमेंट रहती है, रिसर्च जो एजेंसी आप लोगों को देखने को मिलेंगी, प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप, वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने वाले, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इंप्लीमेंटिंग जो कंट्री की गवर्नमेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ। तो सारे मिलकर कोशिश ये करते हैं कि कैसे जो कोई ऐसी तरीके की दिक्कत है उसको कैसे निपटाना है यहां पर, ठीक है? तो यहां पर बेसिकली पार्टनरशिप में रहते हैं ताकि अगर कोई बीमारी आती है, ऐसा कोई दिक्कत बनती है, तो सोल्यूशन निकाला जा सके, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के थ्रू एक यूनिवर्सल हेल्थ को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में हेल्थ में बात की जाती है, तो टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। इसमें से जो डेवलपमेंट गोल है यहां पर तीसरा, ये गुड हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा फिर ये बोले क्वेश्चन कहां से बन गया, तो यहां से बन गया, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहां पर कौन सा है, ये 17वां सस्टेनेबल डेवलप, जो 17 सस्टेनेबल डेवलप गोल में से तीसरा है, कोविड 19 के बारे में, महामारी के बारे में, बीमारी के बारे में यहां पर बात करेंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था अभी जो आप लोगों की जो पीआईबी वाली नैनो मैगजीन वाली वीडियो आई थी, उसमें आप लोग बताइए, देखता हूं कौन-कौन याद रखता है ये सारी चीजें। अगर बात करें चाइल्ड लेबर के बारे में, तो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड आर्टिकल जो है, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आप लोग डालेंगे, तो अगर चाइल्ड लेबर के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो इसके बारे में आप लोग को याद रखना है, ठीक है? इनका बेसिक पर्पज यही होता है कि उन एरिया में दवाई प्रोवाइड करानी जहां पर दवाई अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो ये बेसिक इनका पर्पज देखने को मिलता है। तो इसके बारे में यहां पर आर्टिकल है, तो ये बेसिकली यहां पर कुछ बातें हैं, और बोला ये जा रहा है कि अगर आज के दिन में हम लोग प्लानिंग करके चले कि दवाई लोगों को प्रोवाइड करानी है, तो उसके चलते प्रॉपर वे में चीजों को इंप्लीमेंट करें तो अच्छा रहेगा। हम लोग को पता होना चाहिए कि फिर से रीकंपेन कैसे करना है, कोवैक्स की फैसिलिटी कैसे इंप्लीमेंट करनी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन के थ्रू, और कई सारे एरिया ऐसे हमारी कंट्री में केसेस को छिपाया जा रहा है, जैसे कि यहां पर भी बात की जा रही है कि अभी फिर से केसेस को रिकाउंट करें तो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, और ये ओनली हमारी कंट्री में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में, इवन आप लोगों को देखने को मिलेगा यूरोपियन कंट्री जो है, यूएसए जो है, वहां पर भी नंबर ऑफ जो डेथ है वो छुपाई गई लोगों से, और बोला गया कि 1.6 टाइम ज्यादा है जितनी उनके द्वारा बताई गई थी, तो डेढ़ गुना ज्यादा के करीब है। यहां पर केरला के अंदर भी कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिले, बिहार हमारी कंट्री में वहां पर बहुत कम आप लोगों को देखने को मिलेगा केसेस जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी काफी लार्ज स्केल पर यह दिक्कत देखने को मिली, और खासकर गांव वाले एरिया में, आप लोग सोचिए आप लोग गांव वाले एरिया में रहते हैं, वहां किसी इंसान की डेथ हो गई, ठीक है? कौन आ रहा है चेक करने के लिए, काउंट करने के लिए? तो इसके चलते कई सारे केसेस जो है उनको इग्नोर किया जाता है, तो ऐसे मुद्दे आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो इसके बारे में बात की जा रही है। ये ईरान के इलेक्शन के बारे में बात कर रहा है, पर लेकिन ईरान के इलेक्शन से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, इलेक्शन से रिलेटेड नहीं, बेसिकली ईरान न्यूक्लियर डील से रिलेटेड, और इलेक्शन का इंपैक्ट क्या है और इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो कुछ बातें यहां पर आर्टिकल के अंदर नहीं है, तो दूसरे आर्टिकल से मैंने उठाई यहां पर, ये जो कि यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी मुंबई के अंदर अभी यहां पर कोलैप्स हो गई एक बिल्डिंग, जिसके चलते कई सारे लोगों की जान चलेगी, तो इस मुद्दे को कैसे लेकर चलना है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, अगर किसी बिल्डिंग में आग लगती है, कोई ऐसी दिक्कत देखने को मिलती है तो उसको कैसे निपटाना है, ठीक है? तो इसके बारे में क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने, द इंसिडेंट ऑफ जो बिल्डिंग कोलैप्स है यहां पर उसको बोल सकते हैं, इसको बोला गया कैन नॉट बी कॉल्ड एज एक्सीडेंट, यानी कि एक तरीके से ये बोल के हम लोग नहीं छोड़ सकते कि एक्सीडेंट था यार, हो गया, कोई नहीं, उसको साइड में रखो, क्योंकि वो ऐसी चीज है इसको रोका जा सकता है, ठीक है? तो ये लैक ऑफ प्रिपेयरनेस है, यानी कि हम लोग तैयार नहीं थे, रेगुलेटरी और जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर हम लोगों ने काम नहीं किया, या तो उस बिल्डिंग के लिए हम लोगों ने अप्रूवल दिया वो गलत तरीके से दिया, कोई घूस खाकर वहां पर काम किया गया, ठीक है? प्रॉपर वे में चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, तो इसके ऊपर आप लोगों को कमेंट कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि फायर सेफ्टी के इंसिडेंट कई सारे देखने को मिल रहे हैं, कई सारी ऐसी बिल्डिंग है जो यहां पर कोलैप्स हो गई है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है इसके बारे में। अभी बात करें यहां पर मल्लाड़ के अंदर, मल्लाड़ के अंदर हुआ क्या, देखिए आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में मॉनसून आ गया, तो अगर जरा सी बारिश ज्यादा हो जाए तो कई सारी बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स हो जाती है, और खासकर ऐसे एरिया में जहां पर काफी ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं, ऐसी दुर्घटना अभी यहां पर मल्लाड़ के अंदर मुंबई में देखने को मिली, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ दिनों पहले कई सारे हॉस्पिटल में आग लगी, कई सारे इंस्टीट्यूशन में आग लग जाती है, तो ये भी चीजें हम लोगों को समझनी पड़ेगी, तो इससे कई सारी दिक्कतें यहां पर देखने को मिल जाती है। तो जो फायर की वजह से जो दिक्कत होती है, बिल्डिंग गिरने की वजह से जो दिक्कत होती है, ये थ्रेट क्रिएट कर देती है अगर कंट्री में बात करें बिजनेस के बारे में भी, ठीक है? एवरीडे 49 के करीब जो पर्सन है, ठीक है, तो वहां पर फायर एक्सीडेंट की चपेट में आते हैं हमारी कंट्री में, ऐसी चीजें देखने को मिलती है जो कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के द्वारा डेटा प्रस्तुत किया जाता है। तो फायर के चलते जो इंडिया की जो रैंक है यहां पर, जिसके ऊपर बिजनेस के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ता है,
रहा है, तो टॉप थ्री में आप लोगों को देखने को मिलेगी एजुकेशन, हॉस्पिटलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर या मीडिया, ये जो सर्विस है, रिटेल सेक्टर। तो कई सारी ऐसे एरिया होते हैं जहां पर इंपैक्ट पड़ता है इसका। मान लीजिए कोई मीडिया का हाउस है वहां पर आग लग गई, ठीक है, कोई हॉस्पिटल है वहां पर आग लगी, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहां पर बिल्डिंग में आग लगी, तो फायर सेफ्टी के मेजर्स नहीं रखे जाते हैं, वो दिक्कतें देखने को मिलती है। जैसे ये बिल्डिंग है, पता है ये कोलैप्स होने वाली है, रिसर्च और डेवलपमेंट ढंग से नहीं किया जाता है कि हाँ क्या चीजें चल रही है देश के अंदर ताकि इनको रोका जा सके। और अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर देखिए तो सिटी जो है वो ओवरबर्डन हो चुकी है आज के डेट में, यानी कि सिटी की जितनी औकात नहीं है जो बर्डन को झेलने की, उससे ज्यादा लोग जो है वो सिटीज के अंदर आज के डेट में रह रहे हैं। तो ये वाला मुद्दा हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस तरीके से इस बर्डन को कम करना है, तो ये चीजें हम लोग को देखकर चलनी पड़ेगी। पॉलिटिक्स हम लोग जो खेलते रहते हैं, जब तक पॉलिटिशियन जो है अपने जो यहां पर उन्हें कि जब इलेक्शन के टाइम पर नए नए मुद्दे लेकर आते हैं तो उनमें इनके बारे में भी बात करें तो चीजें चलेंगी आगे चलकर कुछ ढंग से, ठीक है। तो अभी बिल्डिंग जो है वो यहां पर कोलैप्स हो गई पानी की वजह से मुंबई के अंदर में, और वो भी जिसको आप लोग एक तरीके से हब बोलते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं, एक इतनी शानदार सिटी जिसको ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाता है, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, 11 लोगों की जान चलेगी, तो कैसी इमेज बनेगी ऑल ओवर वर्ल्ड में कि हाँ इंडिया के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। तो ये एक्सपोज करती है हमारी कंट्री में जो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक पावर हाउस है, तो कितनी पावर है हमारे हाउस में ये दिखाती है यहां पर जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि रियलिटी में क्या कर रहे हैं हम लोग। तो जो आज के में अनसेफ और इलीगल एक तरीके से आप लोग की बिल्डिंग देखने को मिलेगी, बहुत सारी बिल्डिंग जब कोलैप्स हो जाती है, कोई इस तरीके से गलत चीजें हो जाती है, आग लग जाती है, तब पता चलता है कि इलीगल परमिट था भाई साहब इसका, तो ठीक है। तो अगर पहले से ही यहां पर इतना करप्शन नहीं देखने को मिले, परमिशन वगैरह ढंग से मिले, तो कैसा रहेगा। तो सिविक अथॉरिटी फेल हो जाती है यहां पर एक्ट करने में, इसकी वजह से लोगों की जान चली जाती है। तो इस तरीके से ओवरबर्डन भी सिटीज पर देखने को मिल रहा है। सिटी में जहां पर रहने की, जहां पर मान लीजिए 50,000 लोग रहने चाहिए, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कम से कम 5,00,000 लोग रह रहे हैं। तो इसकी वजह से पानी के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, इसी की वजह से यहां पर एयर पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, हॉस्पिटल की उतनी फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन की उतनी फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से वहां पर गंदगी देखने को मिलेगी, साफ सफाई नहीं हो पाती है क्योंकि लोगों की संख्या ज्यादा आ गई जितनी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से। तो इसके चलते सेफ्टी के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं। तो कई बार यहां पर बिल्डिंग में जहां पर 5 लोग रहने चाहिए वहां पर 15 लोग रहे उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर, ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें नोटिस करने वाली है और इनका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि बर्डन बढ़ने ही बढ़ने वाला है, ये कम नहीं होने वाला है। और मानसून की हरकत आप लोग देख रहे हैं, कहीं बहुत ज्यादा बारिश होगी तो कहीं बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया। तो महाराष्ट्र हाउसिंग और एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा भी 21 ऐसी स्ट्रक्चर थी जिनको आइडेंटिफाई किया गया और 700 के करीब जो लोग हैं उनको दूसरी जगह यहां पर अभी बेसिकली ट्रांसलोकेट किया गया। तो पर लेकिन कंडीशन ये है घुमा फिराकर कि क्या लोग जो है जहां पर उनको ट्रांसलोकेट किया गया क्या वो वहां पर कंफर्टेबल फील कर रहे, तो वो भी चाहिए देखने को मिलेगी। पता चला बच्चों के स्कूल वहां से बहुत दूर हो गए, बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनकी इतनी एक तरीके से उनके पास में इतने पैसे नहीं है कि वो इसको टैकल कर सके कि यहां पर कहीं और एडमिशन करवाए, तो इसकी वजह से बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। तो उसको देखना पड़ेगा क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होने में सोचे क्या खर्चा आ जाता है, ठीक है, तो वो वाली चीजें देखने को मिलती है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर भी आज के डेट में पहले की तरीके से हो चुका है यहां पर क्राइसिस जो है, जब जब मॉनसून आता है तो ये चीजें देखने को मिल जाती है। तो सोल्यूशन ही निकालना है। आप लोग देखिए बिहार में बाढ़ आ गई, दिल्ली में बाढ़ आ गई, बाढ़ आ रही है, पता है बारिश होगी, बाढ़ आएगी, तो क्या आप लोग यहां पर जो नाले जो है बेसिकली जहां से पानी निकलता है वो आप लोग क्लीन क्यों नहीं रखते हैं पहले से ही? पॉलिथीन वगैरह बोलते हैं कि पॉलिथीन बंद कर दी, दबाकर यूज की जा रही है, उसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकालते, उनके ऊपर पेनल्टी क्यों नहीं लगाते, ढंग से इंप्लीमेंटेशन किसी चीज का ग्राउंड लेवल पर होता ही नहीं है, तो फिर ये वाली दिक्कतें देखने को मिलने लगती है। तो सोल्यूशन तो है पर लेकिन इंप्लीमेंटेशन कौन कर रहा है वो हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और कोस्टल एरिया के बारे में अगर बात करें, हमारी कंट्री में टोटल 9 राज्य है कोस्टल एरिया में, जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरला, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां ओडिशा और नौवां वेस्ट बंगाल। तो कोस्टल एरिया में अलग से दिक्कत देखने को मिलती है। कल को चल के अगर ओशन का लेवल बढ़ रहा है तो कोस्टल एरिया में जो एरिया डूबने स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको कैसे लेकर चलना है, बारिश काफी अच्छी होती है उसको कैसे टैकल करके चलना है। तो अरेबियन सी में जैसे कि अभी यहां पर साइक्लोन देखने को मिला ताउकते, ठीक है, वाई जो यहां पर या साइक्लोन देखने को मिला बेव बंगाल में, तो कैसे टैकल करोगे उनको, उनके लिए बात करनी पड़ेगी अगर दिक्कत होती है, बारिश होती है तो रिहेबिलेट किया जाता है कई सारे लोगों को, स्ट्रक्चर जो है वीक स्ट्रक्चर उनको रिप्लेस करना चाहिए, पर लेकिन पॉलिटिकल मुद्दे ज्यादा बने रह जाते हैं, काम ग्राउंड लेवल पर होता नहीं है। तो ह्यूज वॉल्यूम ऑफ जो वाटर का फ्लो होता है तो पता होना चाहिए ना कि निकलना कहां से इस पानी को, ठीक है, तो उसका जो पेनिट्रेशन पानी का कहां से बाहर जाना है वो होना चाहिए। तो एक प्रॉपर एक क्रिएट प्लान होना चाहिए। बोलने के लिए स्मार्ट सिटी रह गई है पर लेकिन रियलिटी में स्मार्ट नहीं है, पानी तक नहीं निकाल पा रहे हो आप लोग, स्मार्ट सिटी क्या रह गई वहां पर, वो ये समझिए आप लोग, ठीक है। अभी यहां पर जो बात की जा रही है मिथी रिवर है यहां पर, तो ये काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डालती है। एक क्राइसिस अभी नॉर्मली COVID-19 का देखने को मिल रहा है, बारिश आते एक नया क्राइसिस होता है, लोग कोशिश करते हैं बारिश आए एंजॉय किया जाए, पर लेकिन यहां पर बारिश के आने से लोगों की जिंदगी जो है वो एक तरीके से दुर्गति में आ गई, ठीक है, दुर्गति सब जो है मुन्ना भाई MBBS मूवी देखी है
तो भाई अपुन की दुर्गति हो जाएगी। तो यार दुर्गति मतलब तो एक तरीके से ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं कई बार, ठीक है। तो ये आप लोग नॉर्मली एरिया में देखने को मिलेंगे, तो ऐसे शब्द पर मूवीज में भी जब यूज किए जाते हैं तो फिर नोटिस में आ जाता है, ठीक है। हाउसिंग प्रोग्राम के बारे में बात करें तो ये इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जहां पर झोपड़ी वगैरह है बारिश की वजह से दिक्कत हो जाती है, तो उसको कैसे सुधारना है। राजनीतिक दल जो है वो अपनी रोटियां सेकने के बजाय यहां पर गवर्नमेंट को कोसना, एक टाइम पर वो पावर में होता है तो वो गवर्नमेंट को कोसते हैं, जब वो एक तरीके से जब वो अपोजिशन में होता है गवर्नमेंट को कोसते हैं, पर पावर में आ जाते हैं फिर अपोजिशन उनको कोसने लगती है, पर काम किसी को नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी हरकतें आप लोगों को बड़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है, पर लेकिन ये किसकी वजह से, हम लोगों की हरकतों की वजह से, क्योंकि हम लोग फिर से वोट देकर उन्हीं को बैठा देते हैं। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर काम करना जरूरी है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट यहां पर आर्टिकल है ये ईरान के बारे में बात करें, ईरान में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके चलते यहां पर ईरान के अंदर अभी किस चीज को लेकर कैसे चला जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है बराक ओबामा साहब के द्वारा ईरान न्यूक्लियर डील साइन की गई थी हसन रूहानी साहब के साथ में। उस टाइम पर काफी ज्यादा हवा हुई हसन रूहानी साहब की कि क्या शानदार डील साइन की गई है, यहां पर जो महंगाई है वो कम होगी, करेंसी इनकी आगे बढ़ेगी, जो तेल बेचा जाएगा मार्केट में ले जाकर तो और फायदा देखने को मिलेगा। पर इनको थोड़े ना पता था काले बादल मंडराने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप आगे डील से बाहर निकल गए और सैंक्शन लगा दिए, और बिल्कुल वो नहीं कहते हार्ड हैंडेड इनको हैंडल किया गया, काफी टफ, तो मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की गई, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलने लगी। तो अभी यहां पर फिर इनको क्रिटिसाइज किया जाने लगा, बोला था कि डील साइन मत करना, जो पहले यहां पर लोग सपोर्ट कर रहे थे फिर वो अपोज करने लगे, क्योंकि कंट्री के ऊपर इंपैक्ट पड़ गया, इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, करेंसी बर्बाद हो रही है, तो इनके चलते चाइना के साथ में डील साइन कर लेगी, तो चाइना की गोद में जाकर बैठ गए। इनकी क्या गलती है इसमें, जब यूएसए ने प्रेशर ही इतना डाल दिया तो कहीं तो प्रेशर रिलीज करना था ना, तो चाइना के ऊपर जाकर प्रेशर रिलीज कर दिया इनके द्वारा। तो इसके चलते आज के डेट में चाइना रशिया और आज की डेट में जो बेसिकली ईरान है वो एक तिकड़मबाजी में आ चुके हैं, यानी कि तीन कंट्री एक दूसरे से मरने और मिटने वाली वादे निभा चुके हैं, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में उनको एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि घर निकाला दे दिया गया है, देश निकाला दे दिया गया है, क्योंकि आप लोगों को पता है G8 कंट्री में से एक को बाहर निकालकर G7 कर दिया गया, और वो कौन था, वो था रसिया, तो रसिया बाहर निकल के क्रीमिया वाले इशू पर जो कि यूक्रेन का है, तो ऐसे मुद्दे हैं, तो ये सारे मुद्दे देखने को मिले। पर लेकिन इसका इंपैक्ट डोनाल्ड ट्रंप को यहां देखने को मिला, किम जोंग उन जो है वो समझ गए कि हसन रूहानी के साथ में क्या खेल खेला है, कल को ये इंसान मेरे साथ में भी खेल खेल सकते हैं, तो इसलिए इसके बहकावे में आई नहीं, तो ऐसी भी सिचुएशन आप लोग देखते हैं। तो अभी फिलहाल इलेक्शन हो रहे हैं, अब इलेक्शन में पता चला कल को ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जीतकर आ गई जो कि यहां पर बेसिकली अन न्यूक्लियर डील का फेवर ही नहीं करती है, तो काफी टफ हो जाएगा इनके लिए फिर चीजों को हैंडल करना। इसलिए हसन रूहानी साहब बोले थे कि इससे पहले इलेक्शन हो आप लोग ईरान न्यूक्लियर डील को फिर से पिक्चर में लेकर आ जाइए, तो अगर चीजों को टैकल किया जा सके, ठीक है। तो ये मुद्दे हैं यहां पर जो कि बेसिकली डिस्कस किए जा रहे हैं, बाकी इलेक्शन होंगे वो बाद में देखेंगे, अब वो हमारे काम की चीज नहीं है, ठीक है। तो ये था डिस्कशन, आज का छोटा डिस्कशन इसलिए था क्योंकि आप लोगों को पता है कि ज्यादा आर्टिकल होते नहीं है और यहां पर सैटरडे के टाइम पर, तो यहां पर बेसिकली ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने यहां पर कवर की है। इसी के साथ में जो एक क्वेश्चन है आप लोग इसका आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है यहाँ पर ए, ठीक है, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर इंडोनेशिया के अंदर भी बेर रामायण वगैरह ये सेलिब्रेट की जाती है, तो यहाँ पर इंडोनेशिया के अंदर यहाँ पर ये इंप्लीमेंट किया गया, ओके। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, और हाँ आप लोगों के लिए जो पीडीएफ थी वो मैंने प्रोवाइड करा दी है टेलीग्राम पर, जो मई मंथ के बच्चे कई सारे बोल रहे थे, ठीक है, तो ऑलरेडी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिए, जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ अवेलेबल है यहीं पर ही आप लोगों के, जो भी आप लोग अगस्त से लेकर मई तक का जो करंट अफेयर सारे पढ़ाए गए, बाकी ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबुक पर आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, और जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनको फिर से हार्दिक शुभकामनाएं, अपना ध्यान रखिए और आगे के लिए प्रिपरेशन करते रहिए एक नेक्स्ट टारगेट के लिए, और अपनी लाइफ के साथ में और जिस भी पोस्ट पर आप लोग जाएं एक इतनी सी ध्यान रखिएगा वहां पर कि करप्शन ना होने पाए, बस यही एक जो है आप लोगों से गुजारिश रहती है मेरी कि कम से कम कहीं कोई तो इंसान जाकर सही जगह बैठे और चीजें सुधारे, ठीक है। तो बाकी तो जिंदगी चलती रहती है यार, इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, और बाकी मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर कैसा लगा फीडबैक देकर जरूर जाइएगा, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक का बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।